नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। जयललिता की अंत्येष्टि एमजीआर की समाधि के पास अम्मा दफन। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के मरीना बीच पर किया गया। जय की पार्थिव देह को पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की समाधि के पास दफनाया गया। इससे पहले राजाजी हाल में दिवंगत मुख्यमंत्री की पार्थिव देह लोगों के दर्शन के लिए रखी गई थी। लाखों की संख्या में लोगों और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने रोते बिलखते हुए अपनी प्रिय नेताओं को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार की रस्में जया की करीबी शशिकला के हाथों संपन्न करवाई गयी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने चेन्नई पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने जयललिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी पनीर सेल्वम को गले लगाकर सांत्वना दी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत अन्य राजनेताओं ने भी जयललिता के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जयललिता के निधन के बाद मंगलवार को राज्य में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और बसें एवं ऑटो रिक्शा सड़कों से नदारद रहे। ईएमयू रेल सेवा का भी संचालन पूरी क्षमता के साथ नहीं हो सका। स्कूल और कॉलेज भी 3 दिन तक बंद रहेंगे। राज्य में सरकार ने 1 दिन के अवकाश और 7 दिन के शोक की घोषणा की है। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालय, बैंक और दुकानें बंद रहे। यहां तक कि होटल, चाय की दुकानें और छोटे रेस्टोरेंट भी बंद रहे। चेन्नई शहर में संचालित एमटीसी बसें भी सड़कों से नदारद रहीं। लोगों ने जयललिता की फोटो के सामने दिए जलाए। राज्य में छिटपुट मामलों को छोड़कर किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अभी नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। अमित शाह ने कहा, देश में लगेगा ट्रांजेक्शन टैक्स, कोई टैक्स के दायरे से बाहर नहीं होगा। सऊदी अरब में ईरान के लिए जासूसी के आरोप में 15 लोगों को फांसी की सजा। सीरिया के अलेप्पो में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर रूस और चीन का वीटो। भारत में नोटबंदी के चलते टेनिस लीग से हटे रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स। भाजपा ने कहा, जमीन खरीद में पूरी पारदर्शिता, सरकार चाहे तो जांच करा ले। ये थे तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।